हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें और अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए रोज एक बार सूर्य नमस्कार कर लें। अब देखो, ये तो मैंने थोड़े उपाय बताए थे आपको अभी आयुर्वेद के, वो गिलोय, वो तुलसी, वो हल्दी, वो अदरक, वो लौंग, वो काली मिर्च और वो हल्दी के साथ वो च्यवनप्राश, ये जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें थी, अब इसके साथ देखो, ये है सबसे बढ़िया तरीका इम्यूनिटी का। बार अभ्यास करें, मुझे लगता है मल्लिका जी आप भी सुबह सुबह जरूर सूर्य नमस्कार तो करते ही होंगे, वैसे आप काफी फिट दिखते हैं। सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। अब ये सब लोग कहते हैं मास्क पहनो। अरे मास्क तो ठीक है, लेकिन मास्क के भीतर जो नाक बह रही है उसको भी तो ठीक कर लो। मास्क पहनो अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह योगी जी भी, हमारे मोदी जी भी, हमारा पूरा देश का शासन प्रशासन भी, अब तो सब योग के प्रति विश्वास रखते हैं। पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो योग को गौरव देते हैं, जो आयुर्वेद को गौरव देते हैं। तो मैं तो चाहूंगा सब 10 बार मल्लिका जी जी सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लें। अब इसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है, सर्दी भी नहीं लगती है। ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ानी है तो 10-20 बिल्कुल मात्रा बाबा कम से रामदेव, कम आपका लिया करो। यही कोरोना ऐसे मंत्र है ये तो कितना जिसको अच्छा है। जानने समझने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और कुछ समय पहले तक लोग ये सोचते थे कि योग सिर्फ ऋषि मुनियों और बाबाओं की साधना का माध्यम है, उनके अच्छे स्वास्थ्य का माध्यम है, लेकिन आपके निरंतर प्रयासों और शोध ने दुनिया को बता दिया है कि ये सबके लिए है। योग की परिभाषा और विशेषताओं को आपने जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए जब कोरोना एक बार फिर से नए सिरे से सर उठा रहा है तो लोग योग और आयुर्वेद की तरफ आशाओं से देख रहे हैं। बाबा रामदेव, जी जी मल्लिका जी, हाँ जैसे आपने प्राणायाम का जिक्र किया, जी मल्लिका जी, अलग अलग तरह का प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होता है, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, कुंभक होता है। प्राणायाम अब प्रतिदिन करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसको करने का सही तरीका क्या है, ये भी बताइए। देखो देखो मेरी बहन, ये भस्त्रिका ना इतना जबरदस्त है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, वेट को नियंत्रित करने के लिए, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से जूझने के लिए। एक से 2 मिनट, अब जो पूरे यंग हैं एनर्जेटिक है आपकी तरह, वो ऐसे तेजी से कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स के लिए है जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बैक एक नहीं है, तो ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे कर ले। मैं तो दिसंबर में भी जब इसको करता हूं मेरी बहन, तो पसीना चूने लगता है माथे से, और इसलिए मुझे कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनना पड़ता। तो ये भस्त्रिका, ये एक तरह से पूरे शरीर में ऐसा ब्रह्मास्त्र, ऐसा सुरक्षा चक्र, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है कि आपको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस छू नहीं पाता। आते ही शरीर ही उसको, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो सेल्फ इम्यूनिटी है, वही सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वो उसको परास्त कर देता है। तो 2 मिनट कम से कम, और जो ज्यादा जनसंपर्क में रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, उनको 5 मिनट तक कर लेना चाहिए, फिर ये कपालभाति बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार ब्रेथ को एक्सहेल करते हैं, और ये करके ना मूलाधार से सस्रार तक अष्ट चक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़े 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। मन बॉडी माइंड सोल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम इससे ऊर्जान्वित हो जाता है, इतना जबरदस्त है कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, जो जवान है वो 100 से 120 बार कर सकते हैं ऐसे।
पेट तो इतना हल्का होना चाहिए मेरी बहन। ये आप जो बोल रहे थे ना बाह्य कुंभक, ये बाह्य कुंभक। ऐसे ये बाह्य कुंभक हुआ और आप इसमें तो तीन पद लग जाते हैं और फिर अपने सेल्फ टेस्टिंग के लिए अपना अपने शरीर की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, ये सेल्फ टेस्टिंग भी है और सेल्फ ट्रीटमेंट भी है। मैंने पिछली बार भी श्वेता जी के साथ आज तक पर ये विस्तार से बताया था कि आप आधा से एक मिनट यदि ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस से कोई खतरा नहीं। श्वास को भर के और आपने ऐसे रोक लिया। एक तो ये ऐसे सिंपल रोकना, मैं ऐसे दो से ढाई मिनट होल्ड करता हूं, सामान्य व्यक्ति को एक मिनट तक ऐसे होल्ड करना है, आधा मिनट से शुरू होंगे एक मिनट तक पहुंच जाएंगे। और यदि इसको गले से जब श्वास अंदर भरते ध्वनि के साथ ऐसे ऐसे, तो इससे थायराइड भी और अच्छा हो जाता है, ये पॉइंट भी दबा सकते हैं थायराइड का पॉइंट, और ये बात ही जबरदस्त है। तो मैं चाहूंगा तीन बार अवश्य करें सब इसको, इससे टॉन्सिल स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी ठीक होती है और अनुलोम विलोम तो बहुत ही अद्भुत है। ये तो हमारे पूरे शरीर को चित्त चेतना को आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। इससे हमारा सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम हाइपोथैलेमस सिस्टम ऑटोनोमिक सिस्टम एकदम, और वैसे भी यूनिटी विद ऑलमाइटी के लिए बाएं से लिया, योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना, इस जगत के अदृष्ट अमूर्त जो अव्यक्त अनिर्वचनीय शक्ति है उस पराशक्ति के साथ एकात्म हो जाना ही योग है। ऐसे पांच सेकंड में लगभग लेना, तीन से पांच सेकंड लेने में, तीन से पांच सेकंड छोड़ने में, और सहज होके करना ऐसे। तो मेरी बहन ऐसे अनुलोम विलोम पांच मिनट, और भ्रामरी उद्गीत से तो एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, एंड योग इज द सोल्यूशन फॉर ऑल डिजीज।